नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश चौहान। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल डॉट टेक में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक जैम्ड या फिर एक जो किक फंस जाता है उसको कैसे रिपेयर करेंगे होंडा एक्टिवा में। ये बाकी सारे स्कूटीज़ में भी यही तरीका काम में आएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये जैम हो चुका है, यहाँ पर नीचे अटक जाता है। ये क्या होता है, नोजल से वहाँ से वो अटक के नीचे निकल जाता है। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दूंगा, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये जो नट्स हैं इनको खोलना पड़ेगा। ये चारों तरफ ये नट्स हैं, इनको हम खोलेंगे। तो मैं आपको फटाफट से करके दिखाता हूँ, वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं जब तक मैं इसको खोलूँगा। दोस्तों खास बात दोस्तों, आपको इसके लिए स्कूटी के जो सीट के नीचे जो कवर्स होते हैं इनको भी आपको निकालना पड़ेगा। ये जो स्क्रूज़ हैं ये निकाल के आपको ये पूरी सीट कवर को ये आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। फिर आपको ये ऊपर इसको ऐसे करके खड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नीचे एक और स्क्रू है जो इसके नीचे दबा हुआ है। ये जो नट है ये खोलने के लिए आपको इसको ऊपर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं ये सारे नट्स खोल के आपको आगे कंटिन्यू करके बताता हूँ। और साथ ही दोस्तों आपको ये आप देख सकते हो ये वाला नट खोल के, इसका ये वाला स्क्रू खोल के आपको ये पैनल भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, जिससे कि आप ये पीछे जो ये नट है इसको आप खोल सकें। तो दोस्तों अभी मैं ये सारे नट्स खोल देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा पैनल खुल जाएगा। आप इसको ऐसे झटके से मारेंगे तब ये पैनल यहाँ से खुल जाएगा। मैंने सारे नट्स खोल चुका हूँ इसके, ये देख सकते हो आप, ये सारे नट्स इसके खुल चुके हैं। और ये हमारा अभी यहाँ पर अटका हुआ, मैं आपको इस वीडियो में रिपेयर करना बताऊंगा। आप ये देख सकते हो ये बेल्ट है, इस बेल्ट की वजह से ही आपकी गाड़ी वाइब्रेट करती है। अगर ये बेल्ट ढीला हो जाता है तो वाइब्रेट करती है। और ये है दोस्तों आपका स्टार्टर, ये है स्टार्टर आपका। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसको रिपेयर करूँगा। इसके साथ ही दोस्तों आप ये देख सकते हो ये गैस के लिए यहाँ पर ये दे रखा है आपको, ये भी आपको स्क्रू खोलना पड़ेगा इसको यहाँ पर अलग करने के लिए। आप भले इसको बिना खोले भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं यहीं पे पकड़ के। तो हम इसके लिए ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्रूज़ हैं, इन ये जितने भी स्क्रूज़ हैं इनको हम खोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डस्ट कितना है, बहुत सारा डस्ट जम चुका है जो कि ग्रीस को पूरा ख़राब कर देता है, जिससे कि हमारे ये लुब्रिकेंट नहीं रहता है, इसलिए हमारा ये जो किक है ये जाम हो जाता है। तो हम इस डस्ट को रिमूव करेंगे, फिर एक बार इस पर वापस ऑयलिंग करेंगे साफ से। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें इसको रिपेयर करना है जिससे कि ये वापस जाम ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये स्क्रूज़ खोलेंगे इसके, फिर मैं आपको कंटिन्यू करके बताता हूँ। तो दोस्तों हमें ये स्क्रूज़ खोलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आप डस्ट दे सकते हो। इस प्लेट को खोलेंगे तो आप यहाँ पे देखो कितना डस्ट जमा हुआ है। तो हमें इस डस्ट को रिमूव करना है, फिर इसको वापस वैसे फिक्स करना है। अब इसके साथ ही दोस्तों आपको करना क्या है, जो ये आपका ये वाला नट है ना, जो इसका आपके किक का ये नट है, इस नट को आप खोलेंगे यहाँ पे 12 नंबर के पाने से। दोस्तों ये यहाँ से रिमूव करने के बाद आप इसमें देख सकते हो ये यहाँ पे जो कट्स लगे हैं दोस्तों, अगर ये पूरा घिस जाता है तो हमारा जो जो किक है ये दोस्तों बार बार स्लिप करेगा। तो इसके लिए हमको दोस्तों ये पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है, जिससे कि हमारा किक स्लिप ना करे। अगर आपका ये घिसा नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वापस लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये घिस गया हो तो आपको इसको पूरा रिमूव करना पड़ेगा, जिससे ये स्किप ना करे। दूसरी चीज़ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये भी अगर घिस जाता है तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे स्कूटी का जो किक है वो स्लिप ना मारे। तो ये आप खास कर ध्यान रख लीजिएगा अगर ये ऐसा होता है। तो अभी हम यहाँ पे ये सारे डर्ट रिमूव करेंगे, डर्ट रिमूव करने के बाद हम इसको वापस वैसे ही फिक्स करेंगे। आप चाहो तो इस नट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहते हो आप पूरा क्लीन करना निकाल के तभी करोगे, तभी उस नट को रिमूव करें, अदरवाइज़ बिना उस नट को रिमूव किए भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस पूरा डर्ट रिमूव करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें इसको कैसे वापस फिक्स करना है। तो दोस्तों इसकी ग्रीसिंग करेंगे इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी ग्रीसिंग कर दी है।
उसी प्रकार से आपको ये यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लीन करने के बाद इनकी ग्रीसिंग कर देनी है। ये जो यहाँ पे पट्टी है जिसके ऊपर आपका ये किक चलेगा, आपको ये इसको भी अच्छे से ग्रीसिंग करना है क्लीन करने के बाद। फिर दोस्तों हम इसको फिट कर देंगे उसी प्रकार से, आप इसको ऐसे खींचोगे दोस्तों, इसको ऐसे खींचेंगे नीचे से, किक को ऐसे दबा के इस प्रकार से ऐसे खींचेंगे, शाफ्ट यहाँ तक आ जाना चाहिए, पूरा शाफ्ट। पूरा शाफ्ट यहाँ पे आने के बाद आप आपके किक को, ये जो किक है इसको यहाँ पे आप वापस ऐसे एडजस्ट कर देंगे इस प्रकार से कि ये शाफ्ट पे ये अपने आप रोल हो जाए। अब जैसे कि यहाँ पे ये मैंने इसको कर दिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये शाफ्ट पे अपने आप घूम रहा है। आप इसको एक बार वापस घुमा के देख लो, अब ये ऊपर आ रहा है तो मतलब ये आपका फिक्स हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। ये जब यहाँ पे आपके ऊपर क्लिप लग जाएगा तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ये शाफ्ट को पूरा ऊपर लेकर जाइएगा इस प्रकार से, मैं आपको वापस दोबारा बताता हूँ, शाफ्ट को वापस ऊपर तक लेकर जाओ, फिर बाद में ये जो ये कॉलम है इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करेंगे जिससे कि शाफ्ट के ऊपर ये आराम से फिसल सके। आपको शाफ्ट को पूरे एंड तक लेकर जाना है, जितना हो सके पूरे एंड तक लेकर जाना है शाफ्ट को, किक को पीछे से दबा के फिर यहाँ पे आप एडजस्ट करोगे धीरे धीरे से, आप देख सकते हैं बस इसी प्रकार से ये आपका किक एडजस्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों ये जो आपका पैनल है इसको वापस आप इसके ऊपर एडजस्ट कर दोगे इसी प्रकार से। तो दोस्तों इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, इसके बाद ये आपके स्क्रूज़ वापस यहाँ पर लगा दोगे, फिर लगाने के बाद दोस्तों आप इसको वापस यहाँ पे फिक्स कर देना और आपके सारे नट्स को वापस जोड़ देना। फिर मैं आपको किक बताऊंगा कि कितने आराम से आपका किक फिसल के आराम से आपका किक लगेगा। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे अभी फिक्स कर दिया, सारे स्क्रूज़ लग चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो आपका ये कवर है दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमने ये पूरा पैनल है इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, जितने भी डर्ट थी वो सारी डर्ट रिमूव कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसको बोलते हैं मून शाफ्ट, हाफ मून शाफ्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे इसके जो दांत थे वो कहीं कहीं से कट चुके थे, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक स्टॉपेज के लिए बाइंड किया होता है, वो बाइंड भी यहाँ से कट चुका था। तो मैं ये नया शाफ्ट लेकर आया हूँ, वो बिल्कुल इस प्रकार से है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इसके यहाँ पर ये जो बाइंड किया हुआ है ये बिल्कुल प्रॉपर है, फिक्स्ड है, और ये इसके नए दांत हैं। और साथ ही साथ मैं जो किक है वो भी नया लेकर आया हूँ, ये आप नया किक देख सकते हो, पुराने वाले में डैमेज हो गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे कट लग गया है, इसमें ये कट लगे हुए हैं, तो इस कट के कारण बार बार जो हमारा किक है वो अटक जाता है। स्प्रिंग आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, स्प्रिंग तो हमेशा सही रहती है, इसमें कोई ख़राबी नहीं होती है। आपको इसके साथ ग्रीसिंग की ज़रूरत होगी, क्लीन करके नया ग्रीस लाके आप नया ग्रीसिंग करेंगे जिससे कि आपकी किक बिल्कुल स्मूथली जाए। और अगर आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से अगर आपने ये की निकाली होगी तो आपको नया की लानी जरूर पड़ेगी। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर फिट कर दिया है, ऑयलिंग भी कर दी है, ग्रीसिंग भी कर दी है। अब मैं इसको अटैच करूँगा दोस्तों, उससे पहले हमको ये इसका कवर लगाना है, कैसे कवर लगेगा। इस कवर लगाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रूज़ लगा दोगे, स्क्रूज़ लगाने के बाद ये लॉक कर देंगे जिससे कि वाइब्रेशन होगी तो उस टाइम पे ये आपके स्क्रूज़ अपने आप नहीं खुलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये स्क्रूज़ वगैरह लगा के फाइनल फिनिश करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये पूरा फिट कर दिया है, ये सारे स्क्रूज़ लगा दिए हैं यहाँ पर। अब मैं इस पैनल को इसके साथ पहले यहाँ पर अटैच करेंगे इस प्रकार से, और ये स्क्रू लगा के फिर बाद में इसको जॉइंट कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसके लिए आप नट को भी थोड़ा थोड़ा ये ग्रीस में डुबो के डाल दो, ये जो नट है ये स्क्रू है इसको थोड़ा ग्रीस में डुबो के फिर आप लगा दो इसको इस प्रकार से, ऐसे कर करके सारे लगा देंगे दोस्तों। फिर मैं आपको किक मार के दिखाऊँगा कि देखो कितना स्मूथ चलेगा ये। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों वीडियो। ये दोस्तों अभी मैंने ये फिक्स कर दिया, अभी एक एक करके हम यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे। ध्यान रहे आपको सबसे बड़ा स्क्रू जो ये सबसे लंबा वाला है
ये आपको यहाँ पे फिट करना है, सबसे लंबा वाला, ठीक है। और बाकी सब एक इक्विवेलेंट साइज़ के हैं, वो आप यहाँ पे फिट कर लेंगे। और साथ ही साथ ये पैनल आप लगाना ना भूलें, कभी कभार जल्दबाजी में ये पैनल लगाना भूल जाते हैं, तो इसको ना भूलें, ये साथ में लगा दें, वरना फिर वापस दोबारा आपको खोल के लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसको ना भूलिएगा, लगा दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये फिक्स कर दिया है, सारे स्क्रूज जोड़ चुका हूँ, सारे नट एंड बोल्ट्स लग चुके हैं। अब मैं आपको किक मार के दिखाता हूँ, इसमें बहुत ही स्मूथ तरीके से देखने एक किक जाएगा अभी, देखा। दोस्तों ये इस प्रकार था। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी बहुत सीख मिली हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।